को अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है, और उसी की याद में हर वर्ष शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। उसी तर्ज पर शहीद स्मारक पर जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना और पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस घटना को 99 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर कार्यक्रम की भव्यता और ज्यादा बढ़ गई। रायबरेली में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि का समारोह रखा गया है। 7 जनवरी 1921 को यहाँ पर 750 से ऊपर लोग शहीद हुए थे और उन्होंने भारत माता के नारे लगाते हुए यहाँ पे अपनी जान दी, बलिदान किया अपने जीवन को। आज उन्हीं के सम्मान में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।